सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। फरहान अख्तर की लखनऊ सेंट्रल फाइनली रिलीज हो गई है और मैं आपके लाई हूं इस फिल्म का क्विक रिव्यू। लखनऊ सेंट्रल के जरिए रंजीत तिवारी डायरेक्शन के क्षेत्र में डेब्यू कर रहे हैं। ये फिल्म सपनों, नुकसान और जिंदगी में कैसे जीवित रहा जाए उसकी कहानी को बयां करती है। फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। कहानी की बात करें तो फिल्म 5 कैदियों के इर्द गिर्द घूमती है जो आजाद होने का सपना देखते हैं। ट्रेलर में फरहान अख्तर कहते हैं कि बंदे कैद होते हैं, सपने नहीं, शहर छोटे होते हैं, सपने नहीं। फिल्म में फरहान अख्तर उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक लड़के किशन का किरदार निभा रहे हैं जो गायक बनना चाहते हैं। किशन की इच्छा है कि वो एक बैंड बनाए, लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से उस पर खून का इल्जाम लगता है और वो लखनऊ सेंट्रल जेल पहुंच जाता है। अपने ट्रायल के दौरान उसे पता चलता है कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंटर जेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। रवि किशन ने मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई है जो अखिलेश यादव से प्रेरित है। इसके बाद किशन एनजीओ कर्मी यानी कि डायना पेंटी की मदद से एक बैंड बनाने का निर्णय लेता है, जबकि उसका मुख्य मकसद जेल से भागने का होता है। किशन के साथ ही उसके साथ भागने के लिए मास्टर प्लान उस उम्मीद से बताते हैं कि उनका दोस्त अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। किशन के प्लान पर तब पानी फिरता है जब जेलर यानी कि रौनित रॉय को उसके प्लान की भनक मिल जाती है। क्या किशन अपने प्लान में सफल हो पाएगा, इसके लिए आपको खुद जाकर मूवी देखनी पड़ेगी क्योंकि यही जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, इसी वजह से आप इसे खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। जेल के कैदियों की यात्रा आपको हमेशा याद रहेगी। फिल्म में दीपक डोबरियाल, राजेश शर्मा, इनाम उल हक और गिप्पी गरेवाल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी आपको हंसाने के साथ साथ रुलाएगी भी। इसमें बॉलीवुड के वो सारे मसाले मौजूद हैं जिसकी वजह से ये मस्ट वॉच बनती है। हालांकि सेकंड हाफ में कहीं कहीं पर फिल्म आपको थोड़ा बोरियत लगेगी, लेकिन म्यूजिक उसकी कमी को भर देगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।